हाइपरटेंशन एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में आता है, यानी कि दोस्तों ये जो हाइपरटेंशन है वो काफी लोगों को टारगेट कर रही है और यहाँ तक कि जान भी ले रही है। आप खुद ही देखिए दोस्तों, हमारे सराउंडिंग में जो काफी लोग यंग है उनकी मौत हो रही है और ये बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आ गया था। दोस्तों यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि आखिरकार ये यंग लोग हैं वो अभी क्यों मर रहे हैं, उनकी प्रीमैच्योर डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों समय से पहले जा रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए दोस्तों इस पे बहुत फोकस करने लगे और दोस्तों यहाँ पे पता लगाया गया कि यहाँ पे जो है यंग जो लोग हैं वो हाइपरटेंशन से पीड़ित हो रहे हैं। दोस्तों प्रॉब्लम की बात यहाँ पे है कि काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हाइपरटेंशन आखिरकार है क्या चीज, या फिर उनको है भी है फिर नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना, यहाँ बात हो रही है हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों हाइपरटेंशन यानी कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर, जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है जिसकी नॉर्मल रेंज है, तो ये कंसिडर किया जाता है कि हमें हाइपरटेंशन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे हाइपरटेंशन के काफी सारे रीजन है, हमारी डाइट जो होती है अगर हम वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारा जो जेनेटिक है, जेनेटिकली हमें ये इसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो काफी लोग इससे सफर भी करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये है कि दोस्तों काफी लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि वो इसको इजी वे में ले रहे हैं। उनको शायद दोस्तों पता नहीं कि ये काफी लोगों को टारगेट करके उनकी प्री मैच्योर डेथ कर रहा है। इसलिए दोस्तों WHO ने इसको एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में रखा और लोगों को अवेयर करना जारी किया कि ये जो हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है ये इसको इजी नहीं लेना है, इस पे थोड़ा फोकस करना जरूरी है। इसलिए दोस्तों इसके जो रूट है उसको देखा गया कि आखिरकार ये हाइपरटेंशन है वो कब से स्टार्ट होने लगी लोगों में। दोस्तों ये जो हाइपरटेंशन है 1975 में 500 से ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर देता है। साल 2000 में इसके जो केसेस हैं वो काफी बढ़ रहे थे, 0.9 बिलियन लोग इससे अफेक्ट हो चुके थे। और दोस्तों ये जो केसेस है वो काफी होते हैं किसी भी डिजीज को ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में लाने के लिए। उसके बाद दोस्तों 2005 में इसका एस्टिमेशन लगाया जा रहा था कि 2025 तक ये 1.6 बिलियन तक इसके जो केसेस हैं वो पहुंच जाएंगे, यानी कि इतने सारे लोगों को वो अफेक्ट कर चुका होगा। 2010 में एक टर्निंग पॉइंट आता है, यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एस्टिमेशन लगाया गया था कि इसके जो केसेस है वो 0.9 से बढ़ के 1.6 बिलियन तक पहुंच जाएंगे 2025 तक। यहाँ पे जो इसके केसेस है वो 2010 में ही इतने सारे पहुंच गए थे, यानी कि 1.4 बिलियन केसेस इसके आ चुके थे। कहाँ तो बात की जा रही थी कि इसके जो केसेस है वो 2025 तक यहाँ तक पहुंचेंगे, बट दोस्तों ये इसके जो केसेस हैं वो 2010 तक ही इतने ज्यादा अमाउंट में पहुंचने वाले थे, इसलिए दोस्तों इसके लिए भी अलार्म बजने लगा। उसके बाद 2015 में इसके जो केसेस है अभी तक, यानी कि जब स्टार्टिंग में जो हमारे केसेस आए थे हाइपरटेंशन के, और अब तक यानी कि 2015 तक उसके जो केसेस है वो 1.13 बिलियन हो चुके हैं 595 से। और दोस्तों यहाँ पे जो अप्रोक्स 40.5 मिलियन डेथ दिखने को मिल गई थी। इसलिए दोस्तों अब फोकस हो रहा था कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीजें की गई, नई नई गाइडलाइंस निकालनी स्टार्ट हो गई, और ये जो गाइडलाइंस जो स्टार्ट हो रही थी वो लोगों को अवेयर कर रही थी कि आपको अपने ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए, आपको उसके रेंज का पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको जो दो वैल्यू होते हैं उसकी भी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। 2016 में यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव लिया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। उसके बाद 2017 से 18 के बीच में फिर दोबारा से अपडेट आती है। पहले जो टारगेट किया था कि 160 वाले को जो है हम हाइपरटेंशन में रखेंगे और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे जो अपडेट आती है वो अपडेट देते हैं कि आपको 140 में ही अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा और भी ध्यान में रखा गया चीजें, जैसे अगर किसी को और थोड़ी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो उन लोगों को ज्यादा फोकस किया गया, उनका जो रेंज थी उनकी थोड़ी और डाउन कर दी गई कि उनका जो टारगेट है वो 130 रखना है। और दोस्तों यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग 75 इयर्स के जो लोग थे उनको थोड़ी और एक्स्ट्रा केयर दे जाने लगी, उनका जो ब्लड प्रेशर वो टारगेट करने लगे कि उनको 120 तक होना ही चाहिए। इन सितंबर 2017 यहाँ पे दोस्तों और भी ज्यादा जो कोलैबोरेशन में काम होने लगा, क्योंकि दोस्तों हाइपरटेंशन ये जो है थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो 2021 में फिर दोबारा से इसकी अपडेट आती है और यहाँ पे और वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें होने लगी, जैसे कि दवाइयों पे बहुत ज्यादा फोकस होने लगा, थेरेपीज पे बहुत ज्यादा फोकस होने लगा। एक साइड तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कोलैबोरेशन हो रहे थे, नई नई स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही थी कि हाइपरटेंशन को कैसे रोका जाए। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पे ये भी देखा जा रहा था कि किस कंट्री से ज्यादा लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे,
इसी दौरान दोस्तों यहाँ पे उनको ये पता चलता है कि हाइपरटेंशन जो लोग हैं वो ज्यादातर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने ऑब्जर्व किया गया कि सबसे ज्यादा केसेस है वो अफ्रीकन रीजन से आते हैं और दूसरी ओर देखा गया कि अमेरिका से इसके जो केसेस है वो सबसे ज्यादा कम ही आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम इंडिया को भी नहीं छोड़ सकते हैं, इंडिया में भी दोस्तों हाइपरटेंशन केसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2010 में इसको थर्ड रैंक मिली थी। दोस्तों अगर यहाँ पे इंडिया के रीजन में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अर्बन रीजन से ज्यादा जो केसेस देखने को नजर आए और जो रूरल एरियाज है वो थोड़े वहाँ पे थोड़े केसेस की कम ही नजर आए। दोस्तों हाइपरटेंशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम में, इसलिए दोस्तों इसको ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में रखा गया और दोस्तों यहाँ पे टारगेट ये किया गया है कि इसको 2030 तक 33% तक इसको कम कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका भी रोल आ जाता है क्योंकि दोस्तों अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो शायद इतना परसेंटेज कम भी ना हो। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए नमस्कार।